इंफोसाइकिल की इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है दोस्तों। कल मतलब 27 अगस्त को लॉन्च हुआ है रेडमी का रेडमी 9 जो काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ आया है और दोस्तों उसका जो प्राइस है वो भी काफी कमाल का है। इतने में ही दोस्तों रेडमी ने टीज कर दिया है उनका जो नया फोन है वो बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। डेट और फोन का नाम जो है कन्फर्म हो चुका है। लॉन्चिंग डेट जो है वो है दोस्तों 2 सितंबर को ये लॉन्च होने वाला है और इसका जो नाम है वो है रेडमी 9A। हाँ दोस्तों रेडमी का जो ए सीरीज है मतलब बजट ओरिएंटेड फोन का ये नया फोन आने वाला है रेडमी 9A। तो दोस्तों ये जो रेडमी 9A है बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है, ये कौन सा स्पेसिफिकेशन के साथ आने वाला है, कौन सा प्राइसिंग में ये लॉन्च होगा और दोस्तों इसका जो सेल है कब है, तो दोस्तों ये सब इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना और अगर पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। रेडमी का जो ए सीरीज का फोन है दोस्तों वो स्पेशली बजट ओरिएंटेड फोन होता है। अब 5A, 4A, 6A, 7A, 8A, 8A12 जितने भी फोन है दोस्तों वो बजट में आता है दोस्तों और अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। तो इस फोन में भी आपको बढ़िया स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा। डिस्प्ले की अगर बात करें दोस्तों इस फोन में आपको 6.53 इंच HD+ डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो दोस्तों वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है। फोन की कैमराज की अगर बात करें दोस्तों पीछे आपको 13 MP रियर कैमरा देखने को मिलेगा, साथ में LED+ दिए गया है। हाँ दोस्तों यहाँ पे डुअल कैमरा ट्रिपल कैमरा नहीं देखने को मिलेगा, सिंगल कैमरा ही दिए गया है। और दोस्तों फ्रंट फेसिंग कैमरे की अगर बात करें सेल्फी और वीडियो कॉल्स के लिए यहाँ पे आपको 5 MP सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस की अगर बात करें दोस्तों फोन में आपको मीडियाटेक का हीलियो G25 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। 12 नैनोमीटर चिपसेट है दोस्तों ये प्रोसेसर और इस बजट में दोस्तों ये प्रोसेसर काफी अच्छा है, इसमें दोस्तों आप थोड़ी बहुत गेम भी खेल सकते हो। बैटरी की अगर बात करें दोस्तों Redmi 9 Prime की तरह ही इसमें आपको 5000 mAh बैटरी देखने को मिलेगा। Redmi 9A में दोस्तों 5000 mAh बैटरी देखने को मिलेगा लेकिन कोई भी फास्ट चार्जिंग देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको दोस्तों स्टैंडर्ड चार्जिंग मिलता है। फोन की सिक्योरिटी की अगर बात करें फोन में दोस्तों आपको फेस अनलॉक देखने को मिलेगा बट फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पे नहीं दिए गया है। हाँ दोस्तों रियर माउंटेड हो या फिर साइड माउंटेड हो कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। फोन में दोस्तों आपको MIUI 11 देखने को मिलेगा जो होगा Android 10 के ऊपर बेस्ड। बहुत ही जल्द दोस्तों इस फोन में भी आपको MIUI 12 देखने को मिल जाएगा। फोन की स्टोरेज की अगर बात करें दोस्तों फोन फिलहाल एक ही वेरिएंट में लॉन्च हो सकता है जिसका रैम होगा 2GB और इंटरनल स्टोरेज है 32GB। फोन दोस्तों 3 कलर में आ सकता है, एक है ब्लैक कलर, ब्लू कलर और ग्रीन कलर, तीनों कलर ही दोस्तों काफी खूबसूरत है। तो दोस्तों फोन का प्राइसिंग जो होने वाला है वो 2GB 32GB वेरिएंट के लिए शायद दोस्तों 6500 से 7000 रुपए के अंदर होने वाला है। अगर दोस्तों इससे ज्यादा प्राइस में लॉन्च होता है तो दोस्तों ये अच्छा डील नहीं रहेगा, ये दोस्तों ओवर प्राइस्ड कहलाएगा क्योंकि दोस्तों 7500 रुपए में आता है 8A12। 8A12 में कुछ कुछ अच्छे फीचर्स देखने को मिलेगा जो दोस्तों 9A में मिसिंग है। जैसे कि 8A12 में दोस्तों आपको डुअल कैमरा देखने को मिलेगा रियर में। हाँ दोस्तों 8A12 में जो डुअल कैमरा था 9A में दोस्तों यहाँ पे सिंगल कैमरा हो गया है। और दोस्तों 8A12 में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिला है, 18W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता था, साथ में दोस्तों आपको टाइप सी पोर्ट दिए गया था। बट दोस्तों रेडमी 9A में आपको माइक्रोवेव पोर्ट देखने को मिलता है, साथ में दोस्तों फास्ट चार्जिंग भी नहीं दिए गया है। फिर भी दोस्तों 9A अगर ठीक ठाक प्राइस में लॉन्च होता है तो ये कमाल का डील रहेगा। इसका डिजाइनिंग जो है लुक्स जो है बिल्कुल अलग है दोस्तों 8A और 8A12 से। फोन का लॉन्चिंग डेट के साथ साथ फोन का जो फर्स्ट सेल है उसका जो डेट है वो भी अनाउंस कर दिया गया है। फोन दोस्तों लॉन्च होने वाला है 2 सितंबर को, तो उसके 2 दिन बाद ही दोस्तों 4 सितंबर को इसका जो फर्स्ट सेल है वो रहेगा। तो दोस्तों फोन अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो आप इसको जरूर खरीद सकते हो। बाकी दोस्तों फोन के बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ही जल्द और एक नया वीडियो लेकर आएंगे, तब तक चलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।